नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक नाबालिग बहन ने ही अपने भाई की हत्या कर दी है। मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां हत्या की वजह सामने आने के बाद हर कोई सकते में है। दरअसल बहन को लगता था कि उसके माँ बाप उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं और इसी के चलते उसने गला घोटकर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस नाबालिग बच्ची से उसके परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसे जुविनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं और आप उनमें किसी भी तरह की तुलना करते हैं या कभी कभार एक बच्चे पर ज्यादा लाड़ दिखा देते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यकीनन यह खबर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बल्लभगढ़ में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची ने अपने 12 साल के मासूम भाई ओमजी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसे लगता था कि उसके माँ बाप उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। पूरा मामला कुछ यूं है कि मंगलवार देर शाम बल्लभगढ़ में सनसनी फैल गई जब यह पता चला कि एक 12 साल के बच्चे की गला घोटकर उसके घर में ही हत्या कर दी गई है। मां के मुताबिक वह और उसके पति दोनों नौकरी करते हैं। मंगलवार देर रात जब वो नौकरी करके वापस आए तो देखा कि उसका बेटा चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। पहले बेटे को जगाने की कोशिश की गई, जब वह नहीं जागा तो चादर हटाकर देखी गई तो उसके होश उड़ गए। बच्चे की मां के मुताबिक बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई, जबकि घर में उस समय केवल वह और उसकी बड़ी बहन मौजूद थी। हमारा बेबी शर्मा। बेबी? हाँ जी। बेबी क्या हुआ है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ पता नहीं क्या, मैं तो जॉब पे गई थी, वहाँ से 6 बजे छुट्टी हुई थी, हमारी बच्चे से 4:30 बजे बात हुई थी, 5 बजे तक बात हुई, उसके बाद फोन किया, फोन रिसीव नहीं हुआ, फिर उसके बाद फोन किया तो ये सो रहा था, लड़की गई थी कपड़ा लेने छत पे, तो वो 1 घंटा वहाँ आंटी जी के पास में रुक गए। वहाँ से आई तो उसने ना देखा कि भाई सो रहा, पर किसी ने ना उसका गला पहले दबा दिया था। किसने देखा सबसे पहले उसे? किसी ने देखा ही नहीं, लड़की ने सोचा, ऊपर से जब आई तो उसने सोचा भाई सो गया, गेम चल रहा था उसका, फ्री फायर खेलता था। उम्र कितनी? 12। बच्ची की है 13-14 साल की। तो बड़ी है। हाँ जी, वो ऊपर थी जब नीचे आई तो भाई उसने ये नहीं देखा कि भाई सो रहा है कि क्या हो गया, उसने सोचा सो रहा, फोन उठाया तो फोन लेके बाहर आंटी जी के पास आ गई, वहाँ बैठी रही, फिर मैं आ गई 6 बजे, हमने गेट खोल के देखा, हम सोचे बाबू उठो सो रहे हो, 6 बज गए, 7 बजे, हमने जैसे चादर ऊपर करी तो यहाँ पे लाल निशान, हमने उसको सीधा किया तो कुछ भी नहीं था उसको। अच्छा, गर्दन पे निशान था उसके, कैसे क्या लग रहा है आपको, हत्या हुई है कि आत्महत्या, क्या हुआ है? किसी ने उसका गला दबा दिया। गला दबाया है? बेटी ने क्या बताया? उसको बताया नहीं? बेटी कह रही थी मम्मी बस 1 घंटा के लिए मैं ऊपर गई थी कपड़ा लाने, बस वहाँ से आई, लाइट चली गई थी तो वंडी के पास बैठ गई, कुंडी की बाहर से लगी रही, पर बेटा को पता नहीं किसने क्या कर दिया। बेटी ने आते जाते वक्त देखा नहीं किसी को? ऊपर थी दीदी, उसमें लोगों ने देखा हो किसी को? नहीं था पड़ोस में किसी से कोई झगड़ा रंजिश? अभी 30 तारीख से 1 महीना हुआ हमारा बल्लभगढ़ आए, हम तो यहाँ रहते थे ओल्ड स्टेशन में, बच्चे कब आए थे दादाजी के पास? तो 15 दिन हो गए उनको। 15 दिन हो गए। अच्छा, अभी सिर्फ 15 दिन हो, मतलब एक तरह से बच्चे के किसी से कोई कुछ बाहर नहीं निकलते थे, बाहर अंदर ही रहते थे, वो तो कमरे के अंदर रहते थे। कौन से पढ़ता था बच्चा? पढ़ता कौन था? फिफ्थ। क्या नाम था बच्चे का? ओम जी नाम था। अच्छा सर, एक नाबालिग बच्चे की हत्या हुई है, क्या मामला है पूरा? ये कल शाम की घटना है बल्लभगढ़ की, एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिसकी हत्या हुई, इसमें पिता ने शिकायत दी कि उसके बच्चे की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस ने इसमें पूछताछ की परिजनों के और आसपास के लोगों से, तो इसमें पता लगा कि जो मियां बीवी हैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं अलग अलग कंपनी में, और इनके बच्चे गाँव में जिला औरैया काकोर के रहने वाले हैं, पीछे से दादा दादी के पास इनका बेटा बेटी जो नाबालिग हैं वहाँ पे पढ़ते थे, गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पे करीब 10-12 दिन से यहाँ आए हुए थे,
और लड़की से जब पूछताछ हुई कि अभी कोई घर में आया था या नहीं आया था, इस तरीके जब पूछताछ हुई थोड़ा सा, तो पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि लड़की ने ही अपने नाबालिग भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। तो उसमें सामने आया कि लड़की को लगा कि उसके माँ बाप जो यहाँ बल्लभगढ़ में रहते थे अपने बेटे यानी कि लड़की के भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, लड़की से प्यार नहीं करते हैं। और लड़के के पास फोन रहता था और वो उसमें गेम खेलता रहता था पूरे दिन। जब लड़की ने कल उससे फ़ोन मांगा तो उसने उसको भी नहीं दिया, तो वो इससे कुछ चिढ़ थी। आप भी माँ बाप मेरे से प्यार नहीं करते, उसी से प्यार करते हैं, फ़ोन भी नहीं देता है, उसी से गाड़ प्यार कर रहा था। इस वजह से कल फ़ोन लेने की बात पे कुछ कहा सुनी हुई दोनों नाबालिग भाई बहनों की, और फोन ना देने पर लड़की ने तो गुस्से में आके उसका गला दबा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसका आज बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और लड़की से प्रारंभिक पूछताछ जारी है उनके माता पिता के सामने, और आगे इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और जुडिशियल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।